एक नौजवान हूँ, इलाके के लड़ने जा रहा हूँ, इलाके का दर्द रखता हूँ, यहाँ के स्कूलों को बेहतर करना चाहता हूँ, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर करना चाहता हूँ। ऐसे लीडर भी हैं जो कहते हैं हम पहाड़ी इलाके के लीडर हैं, फिलहाल मैं लीडर नहीं मानता उनको, मैं कहता हूँ दल बदलूँ, चाहे बुरा लगे तो लगे, मेरे भाई हैं, लेकिन दल बदलने से कभी भी इलाके का डेवलपमेंट नहीं होता। स्टेट की जो पहचान थी उसको मिटा के रख दिया एनसी पार्टी ने, ठीक है। पीडीपी पार्टी की सरकार रही भाजपा के साथ 2.5 साल, इम्तियाज शाह साहब भी नज़र आ रहे हैं अभी नए लोग नज़र आ रहे हैं इलाके में, आप जानते हैं पहले नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब नज़र आ रहे हैं। अब नौजवानों को गुमराह करने के लिए क्या किया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है। मैं अपने इलाके के नौजवानों को बस यही कहूँगा कि भीड़ का हिस्सा बनना मकसद नहीं है, यहाँ किसी ढोल धमाके पर नाचना मकसद नहीं है, मकसद है अपने इलाके की पहचान को जिंदा रखना, अपने इलाके के डेवलपमेंट के लड़ना। क्या करता हूँ अरशद, जो आम आदमी पार्टी की जो इसमें डोर टू डोर कंपेन है बहुत बेहतरीन जा रही है, लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का। और मैं इलाके के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जानते हैं पुराने कद्दावर लीडरों को, इन्होंने इलाके के साथ किया क्या है। एक नौजवान हूँ, इलाके के लड़ने जा रहा हूँ, इलाके का दर्द रखता हूँ, यहाँ के स्कूलों को बेहतर करना चाहता हूँ, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर करना चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे अजूबे हैं जो 70 साल से अपग्रेड नहीं हुए, उनको अपग्रेड करना चाहता हूँ। मेरे इलाके के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ 75 साल से अभी तक लाइट नहीं पहुँच पाई, मैं उन इलाकों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान चाहता है बनहाल की सियासत के अंदर कोई नौजवान चेहरा हो जो इलाके का दर्द रखता हो, इलाके के नौजवानों का दर्द रखता हो। नौजवानों के लिए बस यही मैसेज रहेगी कि भाई आप जानते हैं कि इन पार्टियों ने यहाँ 70 साल राज करने वाली पार्टियाँ भी है, जैसे कि एनसी आप जानते हो, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लीडर भी हैं जो कहते हैं हम पहाड़ी इलाके के लीडर हैं, फिलहाल मैं लीडर नहीं मानता उनको, मैं कहता हूँ दल बदलूँ, चाहे बुरा लगे तो लगे, मेरे भाई हैं, लेकिन दल बदलने से कभी भी इलाके का डेवलपमेंट नहीं होता है। लोगों को गलत दिशा मिलती है, हमारा मकसद लोगों को गलत दिशा देना नहीं है, नौजवानों को जागरूक करना है और नौजवानों को अपने साथ जोड़ना है, जो दिल्ली मॉडल है उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। सर देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ फैमिली मैटर नहीं करती, डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसकी पार्टी के खिलाफ हूँ मैं, ठीक है। उसकी पार्टी ने यहाँ हुकूमत की है, सत्ता में रही है, उन्होंने क्या किया इलाके के साथ, पूरी स्टेट के जो पहचान थी उसको मिटा के रख दिया एनसी पार्टी ने, ठीक है। पीडीपी पार्टी की सरकार रही भाजपा के साथ 2.5 साल, इम्तियाज शाह साहब भी नज़र आ रहे हैं अभी नए लोग नज़र आ रहे हैं इलाके में, आप जानते हैं पहले नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब नज़र आ रहे हैं। अब नौजवानों को गुमराह करने के लिए क्या किया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है। मैं अपने इलाके के नौजवानों को बस यही कहूँगा कि भीड़ का हिस्सा बनना मकसद नहीं है, यहाँ किसी ढोल धमाके पर नाचना मकसद नहीं है, मकसद है अपने इलाके की पहचान को जिंदा रखना, अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए लड़ना।